नमस्कार दोस्तों, मैं सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम एक ऐसे सांप के बारे में जान लेते हैं जो हुबहू मरने की एक्टिंग करता है और अपनी पूंछ को तोड़कर भाग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। ये सांप मीठे पानी के स्रोतों के आसपास एवं धान के खेतों में पाया जाता है। भारत का शायद सबसे बहुतायात में पाया जाने वाला सांप के रूप में इसकी ख्याति है। इस सांप को मराठी में दीवड़, पांदीवड़ या विरोड़ा सांप के नाम से जाना जाता है, हिंदी में सामान्य ढोरिया सांप और इंग्लिश में चेकर्ड किलबैक स्नेक के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है जेनोक्रोफिस पिस्केटर। ये तो हो गया इस सांप का सामान्य विश्लेषण। अब देखते हैं कि इस सांप को कैसे पहचाना जाता है। इस सांप के पूरे शरीर पर उभरे हुए शल्क पाए जाते हैं। पूरे शरीर पर जालीदार आकृति से बने चौखाने दिखाई देते हैं, जिस पर हल्के निशानों से लेकर काले गाढ़े स्पष्ट पास पास जमे दाग होते हैं। इन चौखानों के बीच कभी कभी गुलाबी या लाल रंग भी दिखाई देता है। इसका पेट चमकीला सफेद या मटमैला सफेद होता है और पीठ जैतूनी, हरी, भूरी, पीली, सलेटी या काले रंग की होती है। इसका सिर गर्दन से चौड़ा होता है और आंखों की पुतलियां गोल होती है। आंखों के पीछे वाली बाजू में दो मोटी काली पट्टियां होती है, जिसमें से एक आंख के नीचे की ओर होती है तो दूसरी आंख से लेकर मुंह के कोन तक होती है। ये पट्टियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिनकी मदद से इस सांप को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस प्रजाति के युवा सांप मेंढक के अंडों व जल कीटों का सेवन करते हैं, तो वयस्क सांप मछली, मेंढक और कभी कभी चूहे और पक्षी को भी खा लेते हैं। इनकी मादा दिसंबर से मार्च महीने के बीच चूहे के बिलों में, कुएं के कोटरों में, दीवारों या खेतों की मुंडेरों में बने छेदों में अंडे देती है। इन अंडों की संख्या 70 से 90 तक हो सकती है। 2 से 2.5 महीनों के भीतर इन अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। तब तक मादा इन अंडों के आसपास ही रहती है। जन्म के समय इस सांप की लंबाई 5 से 9 इंच तक होती है। वयस्क सांप की औसतन लंबाई 24 इंच और अधिकतम लंबाई 70 इंच तक होती है। वैसे देखा जाए तो ये एक विषहीन यानी टोटली नॉन वेनमस सांप है, लेकिन भारत के विषहीन सांपों की लिस्ट में ये सबसे गुस्सेल और खतरनाक सांप है। इस सांप को काटने में महारत हासिल होती है। इन पर पैर पड़ने या इन्हें पकड़ने पर ये तुरंत काट लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने इस सांप को बिना काटे दिए 100 बार पकड़ लिया तो वह इंसान भारत के किसी भी सांप को आसानी से पकड़ सकता है। जमीन पर यह सांप तेजी से तिरछा रेंग कर भाग निकलता है, लेकिन इसे डराने या दबोचने पर यह बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है। ऐसे में ये अपने गले की पसलियों को फैलाकर हमले की मुद्रा में उठ खड़ा होता है, जिससे कभी कभी ये कोबरा के फन जैसा दिखता है और हम इसे कोबरा समझने की भूल करते हैं। इसका हमला भी खतरनाक होता है। दूसरे विषहीन सांपों की तुलना में इस सांप में ऐसी दो अद्भुत कलाएं होती है जो इसे बचाए रखने में मददगार होती है। अपने दुश्मन से खतरा महसूस होने पर ये अपने आप को इस तरह से ढाल लेता है जिसे देखकर किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये मर गया है, क्योंकि ये सांप हूबहू किसी एक्टर के जैसे मरने की एक्टिंग करता है। और जब शत्रु इसे मरा समझकर चला जाता है तो ये भी कुछ देर बाद वहां से भाग जाता है। इस सांप में और एक खास बात होती है, इसे पूंछ को पकड़कर उठाया जाए तो ये पंखे जैसे गोल गोल घूमता है और अपनी पूंछ को तोड़कर भाग जाता है, जिससे पकड़ने वाले के हाथ में इसकी सिर्फ पूंछ रह जाती है और ये जान बचाकर भाग निकलता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जय हिंद।